ये वॉयजर 1 द्वारा ली गई फेमस पेल ब्लू डॉट की तस्वीर है, जो हमारी पृथ्वी को 6 अरब किलोमीटर दूर एक छोटे पिक्सल के रूप में दिखाती है। ये तस्वीर आप में से कई लोगों के जन्म से पहले ली गई थी। इस तारीख का एक विशेष महत्व है। इस तस्वीर को लेने के 34 मिनट बाद ही कैमरे हमेशा के लिए बंद हो गए, जिससे वॉयजर 1 पूरी तरह से अंधा हो गया। तब से ये अंतरिक्ष यान अंतरिक्ष में सबसे दूर मानव निर्मित ऑब्जेक्ट बन गया है, जो अब पृथ्वी से 24 अरब किलोमीटर दूर है। लेकिन कैमरे क्यों बंद कर दिए गए और उन्हें वापस चालू करने में क्या लगेगा, इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कि वॉयजर पर कैमरे कैसे काम करते हैं और अगर उन्हें फिर से चालू कर दिया जाए तो वे और क्या देख सकते हैं। वॉयजर स्पेस प्रोब ने अंतरिक्ष में अपने समय के दौरान कई रिकॉर्ड तोड़े हैं। न केवल ये स्पेस प्रोब अंतरिक्ष में सबसे दूर के ऑब्जेक्ट्स हैं, बल्कि ये 45 सालों से भी ज्यादा लंबे समय से काम कर रहे हैं। ये सोचना अविश्वसनीय है कि अंतरिक्ष के कठोर वातावरण में इतना समय व्यतीत करने के बाद 70 के दशक में यहाँ के पृथ्वी पर डिजाइन किए गए कंप्यूटर और सिस्टम अभी भी काम कर रहे हैं। वॉयजर 1 टेक्नोलॉजी से भरा हुआ था, जो अपने समय से बहुत आगे थी। वॉयजर 1 का कैमरा सिस्टम एक परफेक्ट सिस्टम का उदाहरण है। वॉयजर 1 में ऑन बोर्ड 2 वीडीकॉन कैमरा हैं, जो अनिवार्य रूप से एनालॉग डिजिटल टेक्नोलॉजी का उपयोग करने वाले बहुत शुरुआती टेलीविजन कैमरे हैं। इनके पास 800x800 पिक्सल का इफेक्टिव रेजोल्यूशन था, जिन्होंने ग्रे स्केल में 8 बिट तस्वीरों को कैप्चर किया। जैसे जैसे प्रोब प्लैनेट्स के करीब से गुजरा, प्लैनेट्स को करीब से कैप्चर करने के लिए दोनों कैमरा में से एक के पास वाइड एंगल लेंस था और दूसरे के पास नैरो एंगल लेंस था। इनके द्वारा कैप्चर की गई तस्वीरों में छोटी छोटी डिटेल्स को देखा जा सकता है और निश्चित रूप से यहाँ देखिए कैसे हमारा सोलर सिस्टम छोटा और छोटा होता गया। प्रकाश इन कैमरों तक पहुँचने से पहले एक ऑप्टिक सिस्टम से गुजरता है, जिससे कलर्ड तस्वीरें बनती हैं। यह एक फिल्टर व्हील है, जिसमें बैंगनी, नीले, हरे और नारंगी फिल्टर हैं। अब ये काम कैसे करता है? जैसे ही वॉयजर अपने प्रत्येक फिल्टर का उपयोग करके अपने सब्जेक्ट की कई तस्वीरें लेता है और जैसे ही प्रकाश फिल्टर से होकर गुजरता है, यह केवल उस रंग से प्रकाश को गुजरने देगा और बाकी रंग एब्जॉर्ब हो जाएंगे। यहाँ तस्वीर ग्रे स्केल में ली गई थी, लेकिन प्रत्येक तस्वीर में अलग अलग मात्रा में चमक वाले क्षेत्र थे, जहाँ प्रकाश एक निश्चित रंग के प्रति ज्यादा सेंसिटिव था। इन तस्वीरों को पृथ्वी पर भेजे जाने के बाद उन्हें उनके रिस्पेक्टिव फिल्टर रंग से सैचुरेट किया गया और फुल कलर तस्वीर बनाने के लिए कंबाइन किया गया। इसी तरह मानव आंखें भी काम करती हैं। हमारी आंखों में 3 कलर सेंसिंग कोन्स होते हैं, लाल, हरा और नीला, जो रंगों की एक श्रृंखला के साथ हमें विजन देने के लिए कंबाइन होते हैं। लेकिन वॉयजर के साथ असली जादू वीडिकॉन ट्यूब के अंदर होता था। यहाँ प्रकाश लेंस और फिल्टर व्हील से गुजरने के बाद वीडिकॉन ट्यूब में प्रवेश करता है। पहली चीज जो फोटॉन्स हिट करते हैं, वह 3 ऑक्साइड की एक परत से बनी एक ट्रांसपेरेंट फेस प्लेट होती है, जिसके ठीक पीछे एक फोटो कंडक्टिव टारगेट प्लेट होती है। जब फोटॉन्स टारगेट प्लेट से टकराते हैं तो फ्री इलेक्ट्रॉन बनते हैं। किसी पॉइंट पर प्रकाश की इंटेंसिटी जितनी ज्यादा होती है, उतने ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स का निर्माण होता है। ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स तब टारगेट प्लेट पर गैप को पीछे छोड़ते हुए फेस प्लेट की ओर आकर्षित होते हैं। इसके बाद ट्यूब के पीछे एक कैथोड तस्वीर को स्कैन करने के लिए टारगेट प्लेट की ओर इलेक्ट्रॉन्स को निकालता है। ये इलेक्ट्रॉन्स टारगेट प्लेट तक पहुँचते हैं और इलेक्ट्रिक करंट बनाते हुए गैप को भरते हैं। इस सिग्नल में इमेज डेटा होता है और तब इसे वापस पृथ्वी पर भेजा जा सकता है, लेकिन अरबों किलोमीटर से डेटा ट्रांसमिट करना बहुत मुश्किल है और कई चीजें गलत हो सकती हैं। हमने देखा कि वॉयजर के कैमरे प्रकाश को सिग्नल में कैसे बदलते हैं, लेकिन उसके बाद क्या होता है? वॉयजर द्वारा कैप्चर की गई हर एक तस्वीर लगभग 5 मिलियन बिट्स की जानकारी या आधे मेगाबाइट से ज्यादा लेती है। ये आज के स्टैंडर्ड से ज्यादा नहीं लगता है, लेकिन जब आपका अंतरिक्षयान अरबों किलोमीटर दूर होता है तो डेटा को वापस भेजना बेहद मुश्किल होता है। पुराने दिनों में जब वॉयजर बेहद करीब था तो इसकी अधिकतम डेटा दर लगभग 115,000 बिट्स पर सेकंड थी। इस दर पर एक पूरी तस्वीर को पृथ्वी पर वापस भेजने में लगभग 43 सेकंड का समय लगेगा। अभी मौजूदा समय में डेटा दर केवल लगभग 160 बिट्स पर सेकंड है, जिसका अर्थ है कि केवल एक तस्वीर को ट्रांसमिट करने में 8 घंटे से भी ज्यादा का समय लगेगा। उसके ऊपर वॉयजर 1 अब 24 बिलियन किलोमीटर दूर है, इसलिए उस सिग्नल को हम तक पहुंचने में असल में 21 घंटे लगेंगे। क्योंकि कैमरा डेटा ट्रांसमिट करने की तुलना में बहुत तेजी से एक तस्वीर प्रोड्यूस कर सकता है, इसलिए वीडियोकॉन कैमरा से सिग्नल मैग्नेटिक टेप पर स्टोर होता है। यह डेटा समय के साथ बढ़ता है और इसे तब ट्रांसमिट किया जा सकता है जब वॉयजर 1 के पास कम्युनिकेशन की अच्छी लाइन हो। लेकिन वॉयजर के कैमरा को बंद हुए 30 से भी ज्यादा साल हो चुके हैं
आखिर ये इतने सालों में चालू क्यों नहीं हुआ? इसका उत्तर देने के लिए हमें ये देखने की आवश्यकता है कि वॉयेजर 1 अपनी अंतिम तस्वीर लेते समय कहां था। फेमस पेल ब्लू डॉट की तस्वीर पृथ्वी से 6 अरब किलोमीटर दूर अंतरिक्ष में एक पॉइंट से ली गई थी। इस पॉइंट पर अंतरिक्ष यान इतनी दूर था कि सब कुछ एक छोटे पॉइंट के रूप में दिखाई दिया। अंतरिक्ष यान उस रास्ते पर आगे बढ़ रहा था जो अंततः इसे सोलर सिस्टम को छोड़ने और इंटरस्टेलर अंतरिक्ष तक पहुंचने वाला पहला अंतरिक्ष यान बना देगा। इसलिए यह जानने के लिए कि ऐसा कब हुआ, टीम उन उपकरणों को प्राथमिकता देना चाहती थी जो इंटरस्टेलर प्लाज्मा का पता लगाएंगे। यह एक संकेत है कि वॉयेजर 1 हमारे सोलर सिस्टम को छोड़ चुका है, लेकिन वॉयेजर 1 इस पॉइंट पर पहले से ही 13 साल का था और इंटरस्टेलर अंतरिक्ष तक पहुंचने में अभी भी दशकों का समय था। इसलिए उस पॉइंट पर अभी भी अंतरिक्ष यान के साथ कम्युनिकेट करने के लिए इंजीनियर्स को अपने जीवन काल को काफी हद तक बढ़ाने की जरूरत थी। कई अंतरिक्ष यान की तरह वॉयेजर 1 भी RTG से पावर लेता है, जो एक रेडियो एक्टिव मटीरियल से गर्मी लेता है और इसे बिजली में बदल देता है। हर साल बिजली उत्पादन में लगभग 4 वाट की गिरावट आती है और अब वॉयेजर 1 अपने शुरुआती बिजली उत्पादन का केवल 57% उत्पादन कर रहा है। अकेले कैमरा सिस्टम 40 वाट से ज्यादा बिजली का उपयोग करता है और इसलिए अंतरिक्ष यान को काम करते रहने की हालत में बनाए रखने के लिए टीम ने वॉयेजर पर लगे तरह तरह के इंस्ट्रूमेंट को बंद करना शुरू कर दिया ताकि इसकी बिजली की खपत कम हो सके। मेमोरी को बचाने के लिए टीम ने वॉयेजर के सॉफ्टवेयर को भी हटा दिया जो कैमरे को ऑपरेट करने के लिए जिम्मेदार था। हालांकि पृथ्वी पर कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर जिनका उपयोग तस्वीरों की एनालिसिस करने के लिए किया गया था अब मौजूद नहीं है और कई दशकों तक कैमरों और उनके हीटरों के बाहरी अंतरिक्ष की कठोर परिस्थितियों के संपर्क में रहने के कारण इसकी संभावना है कि वे अब और काम नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये मानते हुए कि कैमरे अभी भी अच्छी स्थिति में हैं, अगर उन्हें वापस टर्न ऑन कर दिया जाए तो वे क्या देखेंगे? बहुत से लोग सोचते हैं कि वॉयेजर 1 इतनी दूर है कि ये पूरी तरह से अंधेरे में होगा, लेकिन ये सच नहीं है। अब 23 अरब किलोमीटर दूर होने के बावजूद सूर्य का प्रकाश अभी भी पृथ्वी पर चांदनी की तुलना में 16 गुना तेज है, इसलिए यह निश्चित रूप से एक किताब पढ़ने के लिए पर्याप्त है। हालांकि कैमरे में कैद करने के लिए वॉयेजर के आसपास कुछ भी इंटरेस्टिंग या बड़ा नहीं है। अगर वॉयेजर ने आज एक तस्वीर ली तो उसमें अंधेरा ही दिखाई देगा, लेकिन आप अभी भी सूर्य और कुछ प्लैनेट्स को टिमटिमाते पिक्सल के रूप में देखेंगे। शायद सबसे अविश्वसनीय बात यह है कि 24 अरब किलोमीटर की यात्रा करने के बावजूद हमारे आकाश में स्टार कॉन्स्टेलेशंस बिल्कुल एक जैसे दिखाई देंगे। यदि वॉयेजर हमारी आकाशगंगा का एक अलग पर्सपेक्टिव चाहता है तो उसे तारों में मामूली बदलाव देखने के लिए हजारों प्रकाश वर्ष यात्रा करने की आवश्यकता होगी। वॉयेजर 1 आखिरकार इसे हासिल कर ही लेगा हमारे जाने के लाखों समय बाद या स्पेस प्रोब से संपर्क टूटने के काफी समय बाद। वॉयेजर इतनी दूर पहुंच ही जाएगा जहां से हमारी आकाशगंगा का एक अच्छा व्यू मिलेगा। अपने विचार कमेंट्स में जरूर दीजिएगा।